मैं राहुल आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ले आया हूँ। आपके नसीब में क्या है क्या आपको पता है? आप बहुत से काम को शुरुआत कर चुके हैं पर आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करें? मैं आपको यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आप जो भी काम को कर लीजिए पर आपके अगर नसीब में नहीं होगा तो आप कितने भी हार्डवर्क दे दीजिए वो आपको नहीं मिलेगा। हाँ, ये सही बात है, आपके अगर नसीब में नहीं होगा तो आपको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करें, हम कैसे अपने किस्मत को आजमाएं, कौन सा काम हमारा है जिससे हम अपने लाइफ में जल्दी से जल्दी सक्सेस पा सके, वही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। कहानी एक व्यक्ति की है जिसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो कौन सा बिजनेस करे और अपने लाइफ को कैसे आगे लेकर जाए, उसे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। बहुत से रिसर्च किया और बहुत से जानकारी लिया, फिर भी उसे समझ में नहीं आ रहा था कौन सा बिजनेस वो करे। उसके पास पैसे तो था पर उसे पता नहीं चल रहा था कि अपने पैसे को वो कहां लगाए जिससे वो अपने लाइफ में बहुत आगे जा पाए और अपने लाइफ में सक्सेस भी हो जाए। इसके लिए उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। जानकारी हासिल करते करते उसे ये पता चला उसके एरिया में कोई देसी घी नहीं देता है, मतलब उसके एरिया में जो देसी घी का प्रोडक्शन है वो ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ठीक प्रकार से देसी घी बना रहा है। इसीलिए उसे आइडिया है कि वो देसी घी का प्रोडक्शन करेगा और उसे सप्लाई करके बड़ा आदमी एक दिन बनेगा। ये उसके दिमाग में आया, ये सोचकर उसने धंधे का शुरुआत किया। बहुत से मशीन, बहुत से लोग उसमें काम कर रहे थे। उसका जो प्रोडक्शन कंपनी था वो बहुत बड़ा था, बहुत मशीन उसमें लग चुका था। देखते ही देखते उसका प्रोडक्शन चालू हो गया और एक दिन अचानक से एक व्यक्ति उसके प्रोडक्शन कंपनी में आया और उसे कहने लगा, आप तो घी बना रहे हैं पर उसे भरने के लिए कंटेनर चाहिए, मेरे पास वो कंटेनर है, मेरा कंपनी कंटेनर बनाता है, आप क्या मुझसे कंटेनर लेना पसंद करेंगे? उसके बाद उन दोनों में बातचीत होती है और कंटेनर वाला का प्राइस उस व्यक्ति को पसंद आ जाता है। वो व्यक्ति उसे 50,000 कंटेनर का ऑर्डर दे देता है और उसे कुछ पैसे भी दे देता है एडवांस में। उसमें बहुत प्रकार के कंटेनर रहते हैं, 50 ग्राम से लेकर 1 kg तक। उसे ये लगता है मैं जो ये स्टार्ट किया हूँ इसमें 100% सक्सेस हो जाऊंगा। इसलिए वो व्यक्ति इतने ज्यादा कंटेनर का ऑर्डर दे देता है और देखते देखते उसका ऑर्डर उसके गोडाउन तक आ जाता है और उसका प्रोडक्शन तो यहाँ चालू ही था। जब उसे कंटेनर मिला तो कंटेनर में भरकर अपना लेबल लगाकर मार्केट में बेचने के लिए निकल गया। पर जब वो मार्केट में जाता था उसका कोई घी लेना पसंद नहीं करता था। बहुत जगह घूरता था, बहुत से दुकान में जाता था पर कोई उसे लेना पसंद नहीं करता था क्योंकि वो तो नया ब्रांड है। वो बहुत ट्राई किया पर उसका वो बिजनेस चला नहीं। बहुत दिन देखने के बाद उसका बिजनेस नहीं चल रहा था, उसने बहुत सा कैपिटल लगा दिया था, उसका पहला प्रोडक्शन हुआ था वो अभी तक बिका नहीं था। वो बहुत ही परेशान था, बहुत ही टेंशन में था, अगर मेरा ये नहीं चला तो मुझे तो बंद करना पड़ेगा। बहुत दिन देखने के बाद उसने मन बना लिया कि अब मैं ये बिजनेस नहीं करूंगा। उसके पास में बहुत से खाली कंटेनर बचे थे जिसके बारे में उसने ये सोचा, मैं तो घी बेचने जा ही रहा हूँ जो मेरे पास पहले से बना हुआ है, तो उसके साथ साथ मैं एक कंटेनर ही बेच दूंगा, थोड़ा पैसा वहां से निकल जाएगा क्योंकि मेरा बहुत से पैसा भी लग चुका है, थोड़ा पैसा मैं इस कंटेनर से ही उठा लूंगा, कम से कम कंटेनर का तो पैसा मेरा लॉस नहीं जाएगा। ये सोचकर वो घी के साथ में कंटेनर भी लेके निकलने लगा। जब वो दुकान दुकान जाकर घी बेचता था तो कोई घी तो नहीं खरीदता था पर उसे कंटेनर का ऑर्डर आने लगा और देखते ही देखते एक महीने में उसने 30,000 कंटेनर बेच दिया। वो बिल्कुल ही परेशान था, ये किस प्रकार से हो गया, मैंने तो स्टार्ट किया था घी का प्रोडक्शन पर मैं तो कंटेनर बेच रहा हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। उसके दिमाग में कुछ आता नहीं है, उसके दिमाग में एक ही चीज आता है, मैं थोड़े और कंटेनर किनकर मैं कंटेनर ही बेचता हूँ, तब देखता हूँ क्या होता है। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं, उसका घी का सेलिंग तो होता नहीं है पर तो कंटेनर का सेलिंग बढ़ता चला जाता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, मैं एक मशीन बैठा लेता हूँ जिससे मैं यहाँ पर कंटेनर का प्रोडक्शन कर पाऊँ और मैं डायरेक्ट जाकर उसे मार्केट में बेच पाऊँ जिससे मैं ज्यादा प्रॉफिट कर पाऊंगा। और देखते ही देखते वो कंटेनर का मशीन ही बैठा लेता है और उसके अंदर बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं। अब उसे कहीं जाना भी नहीं पड़ता है, उसका जो भी काम है फोन से ही हो जाता है। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, अपने लाइफ में जब कोई भी काम शुरुआत करते हैं उसमें आप सोचते हैं इस काम को 100% कर लेंगे और ठीक प्रकार से करके हम लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे, हमेशा आपका मन का नहीं होता है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब आपका मन का नहीं होगा तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आपका मन का नहीं हो रहा है तो भगवान का मन का होगा। इसीलिए अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। अपने लाइफ में जब कोई भी काम को करते हैं उसे बहुत ही ध्यान से करें, बहुत ही प्यार से करें क्योंकि आप अपने लाइफ में कोई भी काम को कर सकते हैं। पर एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, उस व्यक्ति के पास पूरा प्रोजेक्ट था जिससे वो अपने लाइफ में सक्सेस पा सकता है, उसको ये पता था कि घी कैसे बनता है और कैसे मार्केट में जाकर उसे बेचना है, पर उसका लाइफ में जो सक्सेस था वो घी से था ही नहीं, उसका लाइफ में सक्सेस था उस कंटेनर से क्योंकि लोगों को कंटेनर इतना ज्यादा पसंद आ गया। इसीलिए मैं आपको यही कहता हूँ, जब तक आप एक काम को कर रहे हो उस समय आपको उसी काम को करना है, कहीं और आपको ध्यान नहीं देना है क्योंकि आप अपनी लाइफ में कुछ ही पा सकते हैं पर जो आपके नसीब में पहले से है ही नहीं वो आपको कैसे मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, आपने चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और मैं वीडियो पहली बार आए तो वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।